पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन अब ज़ेलेंस्की के कब्जे में है और रिपोर्ट यह है कि ज़ेलेंस्की ने इसराइल के बड़े अधिकारियों को इस हिटमैन की पूरी डिटेल दे दी है। ज़ेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इस तरह यूक्रेन के युद्ध में ईरान के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की भी अब एंट्री हो गई है। पुतिन ने फिर हमला किया। बखमूत में ही नहीं, दूसरे इलाकों में, और वो भी एक दो नहीं, पुतिन ने 15 ड्रोन फायर किए। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि इनमें से 13 ड्रोन मार गिराए। सभी ईरान के बनाए हुए ड्रोन थे जिन्होंने पहले कीव से लेकर खारकीव और ज़ापोरिज़िया से लेकर मारियोपोल में तबाही मचाई है। ये ईरान के ऐसे ड्रोन हैं जो बम की तरह बरसते हैं और पुतिन हमला करके ज़ेलेंस्की को बार बार दिखाते हैं कि युद्ध में कैसे ड्रोन से बम बरसे। ये बम बरसाने वाला सबसे बड़ा हथियार है शाहिद 136, जिसे पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन कहा जाता है। यही ड्रोन है जिससे पुतिन की फौज खून की होली खेल रही। इसका टारगेट यूक्रेन की फौज है, उसके वो मोर्चे हैं जहां ज़ेलेंस्की अब भी डटे हुए हैं। Летіло, не було випущено, зафіксовано саме стільки цих ворожих боєприпасів, і власне 13 було збито, 12 повітряними силами і один ППО сухопутних військ. Ну, власне, робота, як завжди, вдала. В різних областях перехоплювались ці БПЛА. Юкрейн багат зяда перешан є. ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की हालत खस्ता हो चुकी है और ये ड्रोन पुतिन के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। पुतिन के हिटमैन नई और खतरनाक धार वाले अपग्रेड के साथ और पावरफुल बनते जा रहे हैं। ये पुतिन के ऐसे हिटमैन हैं जो यूक्रेन की फौज को पिघला कर मार रहा है। पुतिन के हिटमैन को और पावरफुल बनाया है ईरान ने, क्योंकि ईरान अब जो शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन सप्लाई कर रहा है उसका बस एक ही मकसद है, वो ये कि जब कभी भी ये आत्मघाती ड्रोन ज़ेलेंस्की के बंकर से टकराए तो उसे पिघला कर रख दे। कुल मिलाकर रूस का मैसेज बहुत साफ है कि पुतिन अब दुश्मन को पिघला कर मारेंगे, वो 0% रहम दिखाएंगे, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर शाहिद ड्रोन साबित होगा, जिसे ईरान ने और भी घातक बना दिया है। शाहिद 136 ड्रोन ने इस युद्ध में उस वक्त बाजी पलटी जब लग रहा था कि पुतिन के हवाई हमले कमजोर साबित हो रहे हैं, तब ये ड्रोन पुतिन के लिए ऐसा पावर प्लस वाला टॉनिक बनकर आया कि ज़ेलेंस्की की फौज के परखच्चे उड़ने लगे। ये ड्रोन 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और अभी यूक्रेन के लिए ये सबसे बड़ी दहशत बना हुआ है। Людям, які її роблять, і цю роботу було зроблено ефективно. Ракет противника теж не так вже і багато, щоб їх масово використовувати. А от бомб, якщо вони налагодять виробництво плануючих авіабомб чи... इस बीच ज़ेलेंस्की ने ईरान के गिराए गए ड्रोन को इसराइल भेजने की तैयारी कर ली है। इसराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ज़ेलेंस्की को लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इक्कीस फरवरी को जब इसराइल का एक डेलीगेशन यूक्रेन आया तो ज़ेलेंस्की ने उनको ईरान के दो ड्रोन दिखाए, एक है शाहिद 136 और दूसरा है मुहाजिर 6, साथ में कायम 5 मिसाइल भी दिखाई जो ईरान के ड्रोन के मलबे के साथ यूक्रेन ने बरामद की है। एक तस्वीर में तो मुहाजिर 6 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी साफ साफ दिखाई।
ये तस्वीरें दिखाते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि कीव में ईरान के ड्रोन का मुआयना किया जा रहा है। ये ड्रोन रूस को ईरान से मिले हैं और उससे यूक्रेन में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो ईरान के मुद्दे पर इसराइल की मदद हासिल कर सके, उसे इसराइल की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल जाए ताकि वो पुतिन के हवाई हमलों को रोक सके। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन को हमेशा मुद्दा बनाया है। रूस ने ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव पर शाहिद 136 से लगातार हमले किए हैं। तस्वीरें ऐसी भी आईं जब हर जगह अफरा-तफरी दिखी, सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया। ज़ेलेंस्की ने बार बार दावा किया कि ईरान से खरीदे गए पुतिन का हिटमैन उनके जवाबी हमले में नाकाम साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की ने वो तस्वीरें भी पोस्ट की थी जब उन्होंने पुतिन के इस हिटमैन के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। ज़ेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है और अब वो उससे नहीं डरते। Вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों पर पड़ी है। ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अब उन्होंने इसके मलबे को इसराइल भेजने की भी तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, उनके लिए रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, साथ में अपना गोदाम भी तेजी से भरना होगा जिसे ईरान के शाहिद ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है क्योंकि अब वो कुछ संभावित टारगेट है। पश्चिमी मीडिया में बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन से और बड़ी तबाही मचाने के लिए पुतिन तैयार है। यूक्रेन के ओडेसा में गिरे शाहिद ड्रोन के एक मलबे ने इस डर को और पुख्ता कर दिया है। इस ड्रोन के वॉरहेड की तस्वीरें देखिए जो इस वक्त यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों के बीच वायरल हो रही है। इस वॉरहेड में कॉपर की 18 प्लेट मिली है। ये वॉरहेड जब फटता है तो उससे हाइपरसोनिक रफ्तार से तबाही होती है, यानी इस वॉरहेड में लगे छर्रे हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट को तबाह करते हैं और ऐसा 360 डिग्री में होता है क्योंकि ये वॉरहेड धमाके के बाद न सिर्फ अपने टारगेट को तबाह करता है बल्कि उसके चारों तरफ भी तबाही मचाता है।